अभी लॉकडाउन चालू हो गया है और घर में इतने पक रहे हैं कि थोड़ा सा घूम के आते हैं यही पास में। बिल्डिंग हमारी बिल्डिंग दिखी यहाँ से, बहुत गंदगी करके रखी बाबा लोगों ने काफी। इंटरेक्शन खूब छान असते, ब्यूटीफुल कंट्री साइड है हमारे मकान के पास। We always enjoy coming to this side. क्या हो गया क्या हो गया? तुला प्रॉब्लेम झाला पण अदरवाइज तो जेव्हा ठीक होता तेव्हा तो नोकरी करत होतो ना। मला काम मी पुष्कळ दिवस वाट पाहिली, आणि थांबली होती एक दिवस। हो बरोबर आहे ना, ज्या वेळेला तिला मिळालं होतं जॉब सगळंच होतं, त्यावेळेला तिला सॅक्रिफाईस करावं लागलं। घर से निकले, बहुत बोर हो गए थे घर के अंदर। अब परसों से यहाँ पूरे दिन का लॉकडाउन है, सात दिन का लॉकडाउन है, तो फिर बाहर नहीं निकल पाएंगे बिल्कुल भी। नागपुर में केसेस काफी बढ़ चुके हैं, इसलिए सोचा तो इसलिए हम यहाँ पे भी एक आइसोलेटेड जगह में ही आए हैं, थोड़ा सा बस ऐसे घूम के वापिस चले जाएंगे 15-20 मिनट। और यहाँ से ये ऐसे थोड़ा स्पेयर्स क्या बोलते हैं स्पेयर्स जंगल है ना, तो यहाँ पे कभी कभी मोर वगैरह दिखाई देता है। तो हम रुके हैं यहाँ से, कुछ दिखता है क्या देखते हैं, या तो इवनिंग टाइम में बर्ड्स भी दिखाई देते हैं। काफी लोग आते जाते बाबा आजकल यहाँ से, बस्ती काफी है ना इस तरफ से, जो वर्धा रोड से आएगा तो उसको यहाँ जाने के लिए नजदीक है इस तरफ से, इस एंड पे रहने वाले लोगों के लिए। और थोड़ी देर के बाद सनसेट भी होगा। चलिए फिर आगे निकलते हैं, कुछ दिख नहीं रहा आज यहाँ, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा है। हम क्या करेंगे बाबा 7 दिन के लॉकडाउन में, घर बैठेंगे आराम करेंगे। मुझे नहीं पता लोग क्या क्या करते हैं। किताब पढ़ूंगा मैं इस बारी, तो बोर नहीं होना है किसी ने, कुछ ना कुछ अपनी जो क्रिएटिविटी है अंदर की उसे बाहर निकालो आप। नहीं यार इस बार मेरा एजेंडा है अपनी अलमारी साफ करना, कचरा गायब करना। देखिए इनको अपनी अपना अलमीरा साफ करना है, अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। अब क्या है ना, घर के सब काम करने के बाद हमें अगर थोड़ी जान बचती है तो हम ये एडिशनल वर्क करते हैं। अभी मेड्स नहीं है हमारे यहाँ कोई भी। अभी मेड्स नहीं है और अपनी उम्र के हिसाब से कोई भी काम करो ये हमारा कहना है। ज्यादा एग्जर्ट नहीं करना है खुद को। जैसे एक मंत्र हमने फॉलो किया है कि रोज ही घर का एक कोना आप साफ करो, तो कैसे होता है ना फिर रोलिंग में आपका घर साफ रहता है। तो तिकडे छोटा सा गाँव और यहाँ की एक्टिविटी, सनसेट होगा अभी थोड़ी देर में, कितना सुंदर लग रहा है। अब हम टेरेस पे जाएंगे घर जाके और वहां से सनसेट रिकॉर्ड करेंगे। लग रहा है कि नहीं, ये समर्स का इवनिंग टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों बाबा, ये पता नहीं क्यों ना। मुझे हैबिट नहीं चाहिए, कुछ भी मैं बोलूं पता नहीं क्यों आता है। वाव हाउ ब्यूटीफुल,
मेरा प्यारा बोगनवेलिया, ये अभी जा चुका है डेलिया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। और मोगरा देखिए, हा हा हा, इसके मजे है अभी। ज्यादा से ज्यादा एक महीना टिकता है, फिर साल भर कुछ भी नहीं, सिर्फ पत्ते। इसकी हम आलू बड़ी बनाएंगे। लोपा, इसे क्या कहते बाबा? अरबी के पत्ते। इसे एक नमकीन बनाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट होता है उसका। हाँ मेरा प्यारा रजनीगंधा, सो सो ब्यूटीफुल। दस दिन में डेवलपमेंट है, कितने बड़े हो गए। वाह, घर की सब्जी तो घर की सब्जी होती है, इतना फ्रेशनेस होता है उसमें, क्या बताएं। और ये भी नए मेहमान आ रहे हैं अभी, बहुत सुंदर, क्या कलर है। यहाँ आ जाओ, एक 5 मिनट खड़े रहते हैं फिर जाते हैं नीचे। शाम का खाना क्या बनेगा पता नहीं। हाँ वो नई नवेली दुल्हन है लड़का उधर है। अच्छा, बहुत दिनों के बाद बाबा मेरे साथ है इवनिंग में। क्यों बाबा? है ना, अगेंस्ट द लाइट है, चेहरा क्लियर नहीं आ रहा। अरे जाने दे, आवाज तो आ रही है, दिखना जरूरी है क्या, है ना।